वन विभाग हमीरपुर आने वाले दिनों में जंगल का मुआयना करके सर्वे कर पता लगाया जाएगा कि तेंदुए जंगल में कितनी तादाद में हैं। साथ ही तेंदुए के जंगलों में पलायन करने के लिए भी काम किया जाएगा। हमीरपुर वन परिक्षेत्र में 19 से 26 नवंबर तक वन विभाग सर्वे किया जाएगा और तेंदुए से निपटने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। हमीरपुर की होटल हमीर में आयोजित वर्कशॉप में वन विभाग हमीरपुर के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें वनों में तेंदुओं का पता लगाने के लिए सर्वे करवाने के साथ साथ कर्मचारियों को तैयार किया। इस अवसर पर वन अरण्यपाल अनिल जोशी, डीएफओ हेडक्वार्टर संगीता चंदेल, आरएस गोमा, डीएफओ वन प्राणी प्रीति भंडारी भी मौजूद रहे। डीएफओ वन प्राणी हमीरपुर प्रीति भंडारी ने बताया कि 19 से 24 नवंबर तक जंगलों में जाकर वन विभाग सर्वे करेगा ताकि पता लगाया जा सके कि जंगलों में किस तरह के प्राणी हैं और जानवर जंगलों से पलायन क्यों कर रहे हैं। साथ ही तेंदुए की प्रजातियों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। वन मंडल हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल 1118 वर्ग किलोमीटर है और इस वन मंडल के अधीन 5 वन रेंज, 15 वन ब्लॉक और 70 वन वीर्स हैं। डिवीजन के लगभग सभी क्षेत्र में मानव और तेंदुए के संघर्ष के कई मामलों की सूचना दी जा रही है, लेकिन मानव और तेंदुए के संघर्ष की गंभीरता का आंकलन करने के लिए आज तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही संघर्ष क्षेत्र को पहचानने और इसे उजागर करने के लिए कोई कार्य किया गया। वर्तमान समय में मानव वन्य जीव संघर्ष एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया है। क्षेत्रीय डिवीजनों के कर्मचारी इसका सामना नियमित आधार पर करते हैं। यदि इस सर्वेक्षण को फीड क्षेत्र में किया जाता है तो इससे बेहतर योजना बनाने और ऐसे मुद्दों से निपटने से संबंध की नीतियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। है कि हमारा जो हमीरपुर फॉरेस्ट डिवीजन है, इसका जो टोटल एरिया जो है वो लगभग 1115 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का है और आए दिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेपर्ड इश्यूज जो हैं बहुत सारे हमारे सामने आ रहे हैं। और जो हमने एक ट्रेंड देखा है पिछले 10 साल का, तो उसे हमें ये पता चल रहा है कि जो लाइफ स्टॉक लिफ्टिंग, मतलब हमारे जो मवेशी पशु हैं उनको उठाने का या किसी आदमी के ऊपर हमला करने के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमने एक यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है ये कि हम पूरे के पूरे अपने जंगलों का मुआयना करेंगे, पूरी तरह से उनको खंगालेंगे और हम इस चीज़ का एक सर्वे करवाएंगे कि हमारे जंगलों में कितने हमारे पास या आसपास के एरियाओं में जो लेपर्ड पॉपुलेशन है वो कितना है, और साथ साथ कि हमारे पास जंगलों में जो प्रे बेस से मतलब कि लेपर्ड जो है वो एक मांसाहारी जानवर है, उसको खाने के लिए किस प्रकार के और कितने पशु जो हैं हमारे जंगलों में मौजूद हैं और ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से लेपर्ड जो है जंगलों से हटके लोगों के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इन सारी बातों को हमने मद्देनजर रखते हुए एक अपने यहाँ पे एक असेसमेंट सर्वे हमने प्लान किया है, जिसके तहत हम अपने हमीरपुर फॉरेस्ट डिवीजन में कि जो लेपर्ड और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना है उसकी हम पूरी की पूरी असेसमेंट करेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ हम अंगुलेट सर्वे हम बोलते हैं कि जिसमें जो खुर वाले जानवर होते हैं उनकी भी हम गणना पूरी करेंगे, एक एस्टिमेशन निकालेंगे। गणना तो हर जानवर की संभव नहीं हो पाएगी और उसके साथ साथ जंगलों का स्टेटस क्या है, हमारा जो जंगल है वो किस पर कितने अच्छे हैं, क्या क्या वनस्पति उसके अंदर है, उसका हेल्थ कैसी है फॉरेस्ट की, वो भी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ लोगों का क्या प्रेशर है, ह्यूमन प्रेशर जो जंगलों के ऊपर है वो क्या है, इस सर्वे के माध्यम से हम वो भी जानना चाहेंगे। तो कुल मिला के इस सर्वे में हम अपनी 5 अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको हमने आंका हुआ है। तो हमारा ये सर्वे जो है 19 नवंबर से शुरू होगा और 8 दिन तक लगातार चलेगा। 26 नवंबर को हमारा ये सर्वे खत्म होगा और उसके बाद डाटा को पूरा हम कंपाइल करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और उसी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कैसे इस जो एक हमारे सामने एक समस्या है लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की उससे कैसे डील किया जाए, एक हम उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि लेपर्ड जो है उसको भी रहना है, कहीं ना कहीं जो आपस में टाकरा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उन कारणों को लोगों के सामने लेके जाएंगे, लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऐसा एक सिस्टम अपना इजाद करेंगे कि जो हमारा रेंज लेवल है वहां पे एक हम हर वक्त हमारे पास एक ऐसी टीम तैयार रहे, कहीं पे भी कोई ऐसा इशू सामने आता है और वो जो टीम है हमारी एकदम से तुरंत कार्रवाई कर सके बिना किसी दूसरी वाइल्ड लाइफ वालों का इंतजार किए बिना या किसी दूसरे एक्सपर्ट का इंतजार किए बिना, वो खुद सक्षम होंगे कि कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा या कोई भी बड़ा केस सामने आता है तो उसको वो अपने लेवल पे डील कर सके। तो ये हमारा इसी वर्कशॉप के माध्यम से आज हम अपने स्टाफ को पूरी तरह से उनको
क्या गतिविधि करनी है जाके उनको अपने जंगलों में, वो उनको बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने दो छोटे छोटे वर्कशॉप्स की हैं जिसमें इनको हमने ब्रीफ सब बता दिया है कि बेसिकली उनको करना क्या है, और आज जो इनकी शंकाएं हैं, डाउट हैं, जो इन्होंने जंगल में जाके करना है उसका पूरा हमने एक यहाँ पे वर्कशॉप के माध्यम से एक आयोजन रखा है। हमारे पास WIS एक्सपर्ट भी आए हुए हैं जो अभी उनके साथ इनका बातचीत चल रहा है, जो भी इनके डाउट हैं वो दूर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि सर्वे के बाद हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है अपनी डिवीजन की कर पाएंगे, कैसे इस जो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है इससे कैसे निपटा जा सके।